हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ड्रेसिंग टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, या फिर ड्रेसिंग करने से पहले किन बातों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी शेप के बारे में। तो हमेशा ड्रेसिंग अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आप स्लिम गर्ल हैं या फिर चबी गर्ल हैं, अगर आप स्लिम गर्ल हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइट फिटिंग वाले ड्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप चबी गर्ल हैं, हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं, तो फिर आपको इस तरह के ड्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए जिसमें आपके बल्जेस या हेल्दी बॉडी पार्ट्स वाजे नज़र आ रहे हों। हमेशा आपने अपने बल्जेस को और हेल्दी बॉडी पार्ट्स को हाइट रखना होता है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं कि जब भी आप अपने लिए कलर चूज़ करें तो हमेशा अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कलर चूज़ करने चाहिए। अगर आपकी रंगत सांवली है तो फिर आपको कूल और सॉफ्ट लाइट कलर से अवॉइड करना चाहिए। हमेशा आपको अपने लिए डार्क और वाइब्रेंट कलर चूज़ करने चाहिए। थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि हमेशा आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस की लेंथ चूज़ करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट हाइट गर्ल हैं, आपकी जो हाइट है वो कम है, तो फिर आपको इस तरह के ड्रेसेस अपने लिए चूज़ करने चाहिए जिनसे आपको एक टॉल इफ़ेक्ट मिले। और अगर पहले से ही आपकी हाइट ज़्यादा है, आप एक टॉल गर्ल हैं, तो फिर आपको इस तरह के ड्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए जो आपको मज़ीद टॉल इफ़ेक्ट दें। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल हमेशा अपनी फेस की शेप के अकॉर्डिंग चूज़ किया करें। अगर आपका फेस स्लिम है तो फिर कुछ इस किस्म का हेयर स्टाइल होना चाहिए जो आपके फेस को हेल्दी शो करवाए। और अगर आपका फेस चबी है तो फिर कुछ इस किस्म का हेयर स्टाइल आप अपने लिए चूज़ करें जो आपके फेस को स्लिम या फिर स्मार्ट शो करवाए। सेम इसी तरीके से नेक डिज़ाइन भी आपको फेस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करनी चाहिए। सम टाइम आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्लिम, स्मार्ट और कमज़ोर और पतला होता है, तो आप साथ में वी नेक फिर ना वियर करें, क्योंकि वी नेक आपको मज़ीद स्लिम और स्मार्ट शो करवाती है। वी नेक हमेशा चबी या फिर हेल्दी फेस वाली ख़वातीन को वियर करना चाहिए। और जिन ख़वातीन के चेहरे बहुत ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट हैं, उनको कॉलर नेक, बैन नेक या फिर राउंड नेक वेयर करनी चाहिए। अब बात करते हैं शूज़ के बारे में। तो शूज़ भी हमेशा अपनी हाइट को मद्देनज़र रखते हुए चूज़ करें। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना है कि आप किस तरह के शूज़ में कम्फर्टेबल फ़ील करती हैं। सम टाइम बच्चियाँ सेलेब्रिटीज़ को फॉलो कर रही होती हैं और हाई हील या फिर पेंसिल हील अपने लिए ख़रीद लेती हैं, बाद में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती और ना ही उन हील्स को वो पहन के चल फिर सकती हैं। अगर आप हील कैरी नहीं कर सकती तो आपको हमेशा फ़्लैट शूज़ या फिर ब्लॉक हील के साथ शूज़ अपने लिए चूज़ करने चाहिए जिनको पहन के आप ईज़िली चल फिर सकें। इसके अलावा बात करते हैं कि किसी भी जगह जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए आप किस जगह जा रहे हैं और किस तरह का ड्रेस वेयर करना चाहिए।